जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल होने वाली है। अभी एक्चुअली डेट आई नहीं है मगर जल्द ही डेट आने वाली है, क्योंकि देखा जाए यूपी के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 26 तक का जितना भी पेपर था सबको क्या कर दिया जाएगा, उसकी ख़त्म हो चुकी है। ठीक, हर एक ज़िले में पेपर को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो जल्द ही आपकी नोटिस आने वाली है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया था कि एग्ज़ाम कैसे होता, किसने नंबर का होता, सब कुछ हमने आपको डिटेल में बता दिया था। और आज हम देखने वाले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, वो भी किसमें बारे में, जैसे मान लेते हैं देखो साइनोप्सिस के बारे में तो हमने बता दिया था, वाइवा कैसे होता इसके लिए बता दिया था, फाइल रिकॉर्ड वगैरह सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बता दिया था। अब इसमें प्रैक्टिकल होते हैं दो में, क्या दो के प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं दो पे, जो आपका कितने नंबर का 50 नंबर का रहता है, एक माइनर रहता एक मेजर रहता। अब ये होता क्या है, जैसे हमने एक स्कूल पे पता किया, ये है मतलब हमने एक यहाँ पर एरिया में है स्कूल, वहाँ पर हमने पता किया, तो ये आपका मेजर और माइनर हर एक स्कूल में एटलीस्ट बता दिया गया कि क्या चीज़ होता है। यदि आपके कॉलेज में किसी भी माइनर और मेजर बताया गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका पूरा सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले एक्सपेरिमेंट माइनर और मेजर, यानी माइनर और मेजर, माइनर बता देते हैं मतलब ऐसा प्रैक्टिकल जो कुछ ही मतलब मिनटों में हो जाए, मतलब दो चार स्टेप रहे उसके बाद हो जाए तो उसका क्या माइनर हो गया, मेजर मतलब बड़ा होता है। ठीक, उसे प्रैक्टिकल करने के लिए आपको क्या करना, बड़ा प्रोसीजर वगैरह होता है जिससे आप उसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हमें करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने पहले एक्सपेरिमेंट मेजर को हम एक डिटेल में देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है क्या, मेजर में इन्हें दिया गया था यानी एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन को इन्हें मेजर एक्सपेरिमेंट के दौर दिया गया है, और माइनर में देखा जाए तो यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में यही सब दिया जाता है, टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन वगैरह दिया जाता है, चाहे आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एस्पिरिन और पैरासीटामॉल। ठीक है, यही मोस्ट ऑफ द स्कूल में कॉलेज में दिया जाता है, तो हमने एसिड और बेस को क्या कर दिया, यहाँ पर देखा गया ये मेजर एक्सपेरिमेंट है, कौन सा मेजर एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इन्हें हम क्या करते थे, पहले देख लेते हैं ये क्या हो रहा है जी, इधर आ जाए तो हम जुगाड़ लगा देते हैं, यहाँ से ये लगा दिए। ठीक है, देखिए अब हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन, तो हम पहले सुनते देखो, आप जैसे टाइट्रेशन करने एग्जामिनर है बेटा कौन सा केस कर रहे हो, कर सर एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो कहेगा एसिड क्या होता है, तो एसिड के बारे में हमें पता होना चाहिए, बेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक, और टाइट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, तो एसिड क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए, एसिड क्या होता है, एक ऐसा सबस्टेंट होता है या ऐसा कंपाउंड होता है जिसे पानी में डालने पर एच आयन देता, मतलब हाइड्रोजन आयन देता, कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक, दूसरा ऐसा कंपाउंड जो पानी में डालने पर कौन सा देता, कौन सा चीज देता, OH पे निगेटिव मतलब OH आयन देता, उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो हम सर कैसे जानेंगे कि मतलब हाइड्रोजन कम निकल रहा है, OH आयन निकल रहा है, ये भी नहीं आता है, मतलब ये बताने के लिए आपको। ठीक है, या आप इंडिकेटर समझते हैं, इंडिकेटर को लीजिएगा, उससे आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मतलब कौन एसिड है कौन बेस है, जो आपको नीचे हमने दे रखा। ठीक, यानी एसिड का सिंपल समझिए, एसिड क्या होता है, मतलब कोई भी कंपाउंड जिसमें पानी, यानी ऐसा कंपाउंड जिसे पानी में डालने पर हाइड्रोजन आयन देता वो एसिड होता है, ऐसा कंपाउंड जिसे पानी में डालने पर OH आयन देता उसे हम बेस कहते हैं। अब आते हैं टाइट्रेशन पे, टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन इज ए मेथड यूज टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन अननोन यानी मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन, मतलब क्या कर रखा, तुम्हें कोई भी अननोन मतलब तुम्हें न पता हो कि मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसे फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन बोलते हैं, क्या होते हैं, टाइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, दो दो वर्ड आता है, एक टाइट्रेंट आता है, एक हमारे पास क्या होता है, एनालाइट आता है, क्या, एक हमारे पास क्या होता है, टाइट्रेंट होता है, एक हमारे पास एनालाइट होता है। टाइट्रेंट क्या होता है, ठीक, देखो सोल्यूशन, इसका मतलब सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेट, मतलब कोई भी सोल्यूशन दिया उसका सब कुछ पता कि इतना ग्राम लिया गया, इसकी मोलरिटी इतना है, ये सब कुछ आपको यदि पता रहा तो उसे हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट बोलते हैं। ठीक, अब इसी के जस्ट नीचे दिया है एनालाइट, एनालाइट क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ द अननोन कंसंट्रेशन, मतलब क्या होगा, ऐसा सोल्यूशन जिसके बारे में तुम्हें कुछ ना पता हो कि कितना ग्राम लिए हैं, इसकी मोलरिटी कितना है, ये सब कुछ भी नहीं पता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनालाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनालाइट बोलते हैं। इतना समझ में आया, हमने क्या क्या देखा, यानी टाइट्रेशन देखा, टाइट्रेंट देखा, और हमारे पास एनालाइट देखा, ये चीजें आपके होती है। ठीक, ये तो नॉर्मल कॉमन चीजें हमें, अब देखिए एसिड बेस टाइट्रेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑपरेटर्स वगैरह की यूज हमें चाहिए, तो सबसे पहले एसिड बेस, तो हमारे पास HCl, तुम्हारे पास क्या, हमारे पास
एक यहाँ से यह सीएल हमारे पास एक एसिड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। ठीक, अब कहेगा कोई एसिड का एग्जांपल बताइए, तो यह सीएल एक तुम्हारा एसिड है, ठीक है, लैक्टिक एसिड एक एसिड है, CH3COO जैसे सिरका बोलते हैं वो भी तुम्हारा एक एसिड है, H2SO4 तुम्हारा एसिड है, ऐसे बहुत सारे एसिड का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। NaOH की बात की जाए तो ये तुम्हारा बेस होता है, ठीक है। अब तुमसे पूछ सकता है स्ट्रांग एसिड क्या होता है, स्ट्रांग बेस क्या होता है, यह सीएल हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब स्ट्रांग के कैटेगरी में रखा जाता है एसिड। यह बेस क्या होता है, NaOH तुम्हारा क्या होता है, एक बेस होता है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एसिड होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, प्लस एक इंडिकेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडिकेटर होना चाहिए। अब इंडिकेटर क्या होता है, एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो क्या कर देता है, इनमें डालने पर चाहे इसमें दोनों में डालने पर क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ चाहे कलर चेंज करेगा चाहे स्मेल चेंज करेगा, ठीक। अब वो इंडिकेटर कहलाता है। अब डिपेंड करता है किस तरह का इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, जैसे पहला फेनाफ्थलीन ले सकते हैं, दूसरा मेथाइल ऑरेंज ले सकते हैं, वेनिला भी आता है आपके घर में, टर्मरिक जो पाउडर होगा, हल्दी पाउडर, वो भी आपके लिए क्या है, एक इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। मतलब मोस्टली क्या होता है, फेनाफ्थलीन और मेथाइल ऑरेंज तुम्हारा क्या होता है, यूज किया जाता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के इंडिकेटर के रूप में। हमारे पास क्या इतना चीज़ होना चाहिए, और एक प्यारा सा आपके पास ऑपरेटर होना चाहिए, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंड आपके पास होना चाहिए, ठीक, स्टैंड होना चाहिए। ये आपके पास क्या होना चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क होना चाहिए। क्या होता है, कॉनिकल फ्लास्क होना चाहिए। यदि ऑपरेटर्स का नाम नहीं देखे हैं तो हमने एक वीडियो सेपरेट बना दिया, उसे आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स का नाम थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। हमारे पास ये देखो जैसे लोटा लग रहा है ना, जैसे खेत उत में सुबह लेके जाते हैं वैसा लग रहा है, मगर नहीं, ये कॉनिकल फ्लास्क है। बनाने में नहीं, आपको बनाने आता तो बढ़िया बनाइएगा, ठीक, कॉनिकल फ्लास्क होगा। ये लटकाया गया तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूरेट बोलते हैं। इतना समझ में गया, ठीक। ये तुम्हारा ओपनर और क्लोजर होता है, इसमें से यहाँ पर ड्रॉप वाइज इसे यहाँ से गिरता हुआ नजर आता है, ठीक। इतना समझे, मतलब रिक्वायर ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट इतनी आपके पास होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अब कैसे रिएक्शन कराएंगे, तो एक हमें रिएक्शन पता होना चाहिए। देखो एसिड और बेस कभी भी रिएक्ट करते हैं क्या, एसिड और बेस कभी भी रिएक्ट करते हैं तो यह क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ठीक। एसिड बेस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इनके बारे में सुनिए। देखिए एसिड और बेस कभी भी रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सबस्टेंट बनाते हैं, क्या, न्यूट्रल सबस्टेंट बनाते हैं। साल्ट आपके घर में जो है वो पर डे खाते हैं, न्यूट्रल है। वाटर जो पर डे आप पीते हैं तो उसमें क्या है, न्यूट्रल है। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं तुम्हारे क्या, न्यूट्रल के अंतर्गत आती हैं। तो यह सीएल हो गया, NaOH हो गया, तो तुम्हारा ये सब क्या किसके अंतर्गत आता है, यह सीएल एक स्ट्रांग एसिड, बेस एक तुम्हारा स्ट्रांग बेस। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनाते हैं और प्लस वाटर बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड तुम्हारा कॉमन साल्ट है और वाटर के बारे में तो जान ही रहे हैं, ठीक। अब पूछ सकता है एसिड बेस टाइट्रेशन किसे कहते हैं, आल्सो नोन है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन इज आल्सो नोन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक। अब देखिए हमें क्या पता होना चाहिए, मेथड कैसे कैसे करना, ये स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। यहाँ से हम स्टेप देख लेते हैं, देखिए स्टेप एक है, स्टेप दो है, स्टेप तीन है, स्टेप आपके पास चार है, और यहाँ पर स्टेप आपके पास पाँच है, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा ये स्टेप, क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेप है, स्टेप को आपको फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या कर देना, सबसे पहले क्लीन करना, किसे, कॉनिकल फ्लास्क को, यानी क्या करना है, क्लीन करना, जो भी ब्यूरेट दिया गया उसे क्लीन करना है। उसके ब्यूरेट को उठा के कहां पर करना है, स्टैंड रॉड में फिट कर देना, क्या, स्टैंड जो दो गया उसमें आपको क्या कर देना, उसे फिट कर देना। हमने क्या कर दिया, फिट कर दिया, ठीक। देखो ब्यूरेट को फिट कर दिया स्टैंड में, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, आते हैं फिल द ब्यूरेट विथ HCl, जो भी HCl आपको ब्यूरेट दिया गया उसमें HCl फिलअप करना है, HCl या NaOH। अब डिपेंड करता हूँ वहाँ पर क्या दिया जाएगा, जैसे आपसे पूछ दिया जाए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द गिवन सोल्यूशन HCl या NaOH का तुम्हें परीक्षण करना है किससे, तो उसके अनुसार ये जो जो भी दिया जाएगा, चाहे एसिड दिया जाए, बेस दिया जाएगा, ठीक। अब डिपेंड, मान लेते हैं HCl ही दिया जाता, चलो इसे नहीं मान लेते हैं, HCl आपको दिया जाता, तो ब्यूरेट में आपको क्या करना है, सबसे पहले HCl उठा के भर देना है, ठीक है। कहाँ पर, जो आपका ब्यूरेट, यानी देखेंगे ऐसे जो ब्यूरेट रहेगा, ठीक है, यहां से जो आपका ब्यूरेट रहेगा, ठीक है, उस पर मार्क किया रहेगा, क्या, जीरो मार्क तक आपको उसे पूरा भर देना, किसने, जीरो मार्क तक उसे आपको पूरा भर देना, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पर क्या कर देना, ऐड 10 वॉल्यूम, मतलब क्या होगा, 10 cm³ NaOH सोल्यूशन इन फ्लास्क, जो आपका नीचे यहाँ से क्या करें, कॉनिकल फ्लास्क लिए थे ना, कॉनिकल फ्लास्क लिए थे, उसमें क्या कर देना आपको, कॉनिकल फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क में क्या कर देना, 10 यानी 10
वैल्यूम का क्या कर देना, एन ए ओ एच यहाँ पर आपको फिलअप कर देना। ठीक, एन ए ओ एच हमने फिलअप कर दिया। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या क्या रखा, जो भी आपका देखो उसमें यहाँ से कॉनिकल फ्लास्क में क्या कर देना, देखो एड फ्यू ड्रॉप ऑफ द फिनाफ्थिलीन इंडिकेटर इन फ्लास्क। मतलब ये जो आप लिए थे क्या एन ए ओ एच लिए थे उसमें कुछ ड्रॉप फिनाफ्थिलीन डालना। फिनाफ्थिलीन तुम्हारा एक तरह का इंडिकेटर होता है। क्या बेटा, एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, इंडिकेटर होता। अब देखिए वो भी यानी जो आप एन ए ओ एच लिए हैं तो कितना एम एल लिए हैं, 10 सेंटीमीटर क्यूब लिए हैं। यानी 10 सेंटीमीटर वॉल्यूम की यानी यूनिट होती क्या, यानी सेंटीमीटर क्यूब होती। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब लिए। कॉन्सेंट्रेशन उसका कितना, 0.1 मोलर है। क्या, यानी 0.1 मोलर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक, ये तो हमें पता है, ये पता है। अब जो इसमें अननोन चीज उसी को हमें फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या कर दिया, फ्यू ड्रॉप इंडिकेटर यदि डाले हैं तो देखिए अब यहाँ से एसिड रहेगा। यदि हम यहाँ सीएल डालें तो कलरलेस हो जाएगा। क्या, कलरलेस हो जाएगा। यदि बेस डालें तो किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक, अब डिपेंड करते हैं ऊपर ये डाले हैं कि ये डाले हैं। ठीक, यदि सीएल डालेंगे मतलब एसिड डालेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। यदि एन ए ओ एच डाले हैं तो तुम्हारा पिंक कलर का हो जाएगा। इतना आइडेंटिफाई हुआ, इतने पे आते हैं। फिनाफ्थिलीन आपने फ्लास्क में डाल दिया। अब आते हैं तुम्हारे मेन चीजें मुद्दे पे। ठीक, अब पांचवा नंबर क्या कह रखा, यानी नोट द इनिशियल रीडिंग ऑन द ब्यूरेट। ब्यूरेट क्या क्या करे, इनिशियल रीडिंग आपने नोट कर लेना है। ठीक, फिर छठवें नंबर पे आना, क्या कर देना है, छठवां नंबर क्या कर रखा, यस सीएल सोल्यूशन ड्रॉप वाइज आपको क्या कर देना, फ्लास्क में डालना। यस सीएल जो सोल्यूशन आप ब्यूरेट में भर रखे थे, किसमें, ब्यूरेट में भर रखे थे, तो यहां से ब्यूरेट में भर रखे तो यहां पर बनाने के लिए दिया कि मतलब ड्रॉप वाइज आपको यहां पर एक एक ड्रॉप डालना है। ठीक है, देखो ड्रॉप वाइज आपको फ्लास्क में कंटिन्यूअस डालते रहना। कंटिन्यूअस क्या कर देना, तो ऐसे ऐसे आपको क्या करना, जो नीचे कॉनिकल फ्लास्क रखा उसे आपको शेक यानी हिलाते रहना। ठीक है, उसके बाद क्या कर देना, यहां पर आता है ठीक, एडिंग द एसिड सॉल्यूशन टिल द लाइट पिंक कलर यानी डिसअपियर हो जाएगा। देखिए अब मान लेते हैं, हम देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, इसमें एन ए ओ एच लिया था तो हमने क्या कर दिया, एक इंडिकेटर डाला तो पिंक कलर का हो गया। किस कलर का, पिंक कलर का हो गया। अब यहाँ से हमने यस सी एल जब यहाँ ड्रॉप वाइज डालना स्टार्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पर यह पिंक कलर गायब हो जाएगा, उसी को हम नोट करेंगे, वही तुम्हारे क्या रहेगी, एंडिंग पॉइंट रहेगी। देखो जिस पॉइंट पर पिंक कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, यानी पिंक कलर जब डिसअपियर हो जाएगा उसी को आपको नोट कर देना। ठीक है, देखो जिस पॉइंट पर कलर चेंज हो जाएगा एट द एंडिंग पॉइंट, वही तुम्हारा क्या रहेगा, एंडिंग पॉइंट रहेगी। इतना समझ में आया। अब ये बार बार एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, ये बार एक दो बार करेंगे, मोस्टली प्रैक्टिकल में एक ही बार में आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि अब टीचर की निगरानी में रहेंगे। ठीक है, वो सब क्या ना अपना काम कर देंगे। ठीक, तो इतना तुम्हारा क्या होगा, एक दो बार आप क्या करेंगे, निगरानी करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इतना हो गया, कोई टेंशन नहीं। ठीक, ये तो हमारे क्या होता है, बेसिक इंडिकेटर। अब चलते हैं थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं इनके बारे में। ठीक, अब देखिए हमने क्या सब टेस्ट परफॉर्म कर लिया। कहेगा सर कैलकुलेशन करके बताइए बेटा कितना मोलरिटी का यूज किए थे, तो इसके लिए क्या होगा, हमें कैलकुलेशन पता होना चाहिए। तो लिखा है टू फाइंड द मोलरिटी ऑफ एससीएल जो डाला गया उसकी मोलरिटी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब देखिए फार्मूला M1V1, M मतलब क्या हो गया, मोलरिटी हो गया, V मतलब वॉल्यूम हो गया, N मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल हो गया। ठीक, यानी M1V1 / N1 = M2V2 / N2 होता है। M तुम्हारी मोलरिटी है, V तुम्हारी वैल्यूम है, N तुम्हारा नंबर ऑफ मोल है। ठीक, अब हमें क्या क्या पता, ध्यान से सुनिए। वैल्यूम ऑफ SCL स्टार्टिंग में हमने कितना डाला था बेटा, 10 सेंटीमीटर क्यूब तो हमें ये पता है। देखिए यहाँ से अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलरिटी हमें नहीं पता, यही हमें M1 फाइंड करना है। यानी V1 हमें पता है, M1 हमें नहीं पता। उसका वैल्यूम ऑफ NaOH यानी वैल्यूम ऑफ NaOH मतलब क्या हो गया, V2 हमें फाइंड करना। क्या, V2 हमें फाइंड करना कितना, देखो सॉरी हमें यानी V2 कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा। कितना, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी हमें ये दे रखा। अब मोलरिटी मतलब NaOH की क्या दे रखा, मोलरिटी यानी M2 की वैल्यू दे रखा 0.1 M दे रखा, इसकी मोल इतना दे रखा। ठीक है, अब देखिए जो आप SCL या NaOH लिए तो उनकी मोल यानी तुम्हारी क्या होती, नंबर ऑफ मोल उनका कितना होता, एक होता। दोनों का नंबर ऑफ मोल कितना होता, एक होता। अब हमें क्या पता, M1 पता, V1 पता, M2 पता, V2 पता और N1 पता है। ठीक है, यहां से हो जाएगा M = क्या हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगा। V = तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ठीक है, और यहां से N2
ठीक, तो हमने क्या कर दिया, देखिए यहाँ से हमने फाइंड कर दिया। अब इनके कैलकुलेशन कैसे करना, हमने तो ये फार्मूला देख लिया, आपको फार्मूला लगभग लगभग याद होगा, यम वन वी वन बराबर यम टू वी टू और हो में क्या यानी यन टू और यन वन हो जाएगा। ठीक है, यन अब जान ही गए होते, मतलब यम क्या हो गया मोलरिटी, वी तुम्हारी वैल्यूम और यन तुम्हारा नंबर ऑफ मोल हो गया। ठीक, अब कैलकुलेशन करते हैं, यम वन हमें नहीं फाइंड करना तो हमने यही तो हमें फाइंड करना, हमने यहाँ लिख दिया टेन तुम्हारा दिया, वी यानी वी वन की वैल्यू टेन दे रखा और यन वन की वैल्यू यन दे रखा यानी वन दे रखा, तो हमने यहाँ पर इसे रख दिया यानी यम टू यहाँ रख दिया, वी टू हमने यहाँ रख दिया और यन वन की यानी यन टू की वैल्यू यहाँ फिलअप कर दिया। अब इसे अब कैलकुलेशन करेंगे, देखिए ये दिया ना तो ये मल्टीपल में नीचे आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो इसे अब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आपका इजिली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप हो रहा है क्या जी। ठीक, तो देखो यम वन की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो पॉइंट इतना हो जाएगा, क्या 0.1 यम के बन के आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से आपका क्या होगा, पूरा कैलकुलेशन करना मेरे भाई। ठीक, अब चलिए हम ये मेजर था, माइनर पे चलते हैं। माइनर हमें क्या दे रखा, माइनर प्रैक्टिकल दे रखा, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एस्पिरिन एंड पीसीएम मतलब पैरासीटामॉल। ठीक है, इनका हमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना किसका, पीसीएम और एस्पिरिन का। अब हमें माइनर टेस्ट दे रखा एस्पिरिन तथा पीसीएम का हमें डिटेल में, तो सबसे पहले हम एस्पिरिन का देख लेते, किसका एस्पिरिन का देख लेते। देखिए सबसे पहले क्या कर देना आपको, एक टेस्ट ट्यूब लेना, क्या एक टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक, ये हो कर रहा है मेरे भाई। ठीक है,